ट्रांसक्रिप्शन की जॉब ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन जॉब के बारे में भले आपने सुना हो या फिर ना सुना हो, लेकिन सच्चाई यह है कि आज के टाइम में हजारों लोग फुल टाइम या पार्ट टाइम दोनों ही तरीकों से ट्रांसक्रिप्शन का काम करके पैसे कमा रहे हैं। तो बात करते हैं कि कौन कौन लोग ट्रांसक्रिप्शन का काम कर सकते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन का काम बेहद ही आसान काम होता है। जैसे कोई भी स्टूडेंट, हाउसवाइफ या फिर आप पहले से ही कोई जॉब कर रहे हो, तो आप एज ए पार्ट टाइम ट्रांसक्रिप्शन का काम करके पैसे कमा सकते हो। अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी है, तो ये आपको जरूर पता होगा कि ट्रांसक्रिप्शन की जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आपको एक टेस्ट देना पड़ता है, जो कि कंपलसरी होता है। इस टेस्ट में बेसिकली आपकी लैंग्वेज चेक करी जाती है, आपकी लैंग्वेज की नॉलेज चेक करी जाती है, जिस लैंग्वेज में आप ट्रांसक्रिप्शन का काम करने वाले हो। तो ऑनलाइन ट्रांसक्रिप्शन के काम में आपको ज्यादातर जो काम होता है वो इंग्लिश या फिर फॉरेन लैंग्वेज में ही देखने को मिलता है, लेकिन ऑफलाइन में आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ट्रांसक्रिप्शन का काम करने को मिल जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ऑनलाइन ट्रांसक्रिप्शन जॉब के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप ऑफलाइन ट्रांसक्रिप्शन जॉब के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम ऑफलाइन ट्रांसक्रिप्शन जॉब के ऊपर भी एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो बना सकें। तो अगर आपकी इंग्लिश काफी अच्छी है, तो आप ट्रांसक्रिप्शन का काम बहुत ही आसानी से कंप्लीट करके यहाँ से पैसे अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, तो डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं आगे की वीडियो में आपसे कुछ ऐसे ट्रिक्स और टिप्स शेयर करने वाला हूँ, जिसे फॉलो करके आप भी बहुत ही आसानी से अपने टेस्ट को क्लियर कर लोगे। और साथ ही साथ वीडियो में मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन का एक सैंपल वर्क भी लाइव कंप्लीट करके दिखाऊंगा, जिसमें मैंने कुछ ट्रिक्स और टिप्स को फॉलो किया है, जिसे आप भी फॉलो करके ट्रांसक्रिप्शन के काम को बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हो, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप ऐसे ही वीडियो लगातार डेली देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिस वेबसाइट पर हम ट्रांसक्रिप्शन का काम करने वाले हैं, वो आपके स्क्रीन पे शो हो रही होगी। इसी वेबसाइट पर हम ट्रांसक्रिप्शन का काम करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपके इस विकिपीडिया के पेज पे ले चलता हूँ, जहाँ पर आप इससे रिलेटेड हर एक जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली मेन मेन पॉइंट में अगर मैं बताऊँ, तो रिव जो है वो अमेरिकन कंपनी है, और इसे 2010 में ही बनाया गया था, और 2019 में ये सबसे बेस्ट ट्रांसक्रिप्शन की वेबसाइट में आई थी। और अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो रिव को ट्रांसक्रिप्शन का काम करने के लिए देती हैं, तो इसलिए ये अपने वर्कर्स और एम्प्लॉयज को काफी अच्छी सैलरी भी पे करती है। तो अगर आप और भी डिटेल्स में इसे देखना चाहते हो, तो इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसे आप जाके पढ़ सकते हो। तो ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको तीन टाइप के काम यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। पहला है ट्रांसक्रिप्शन का, दूसरा कैप्शन का, तीसरा है फॉरेन सबटाइटल्स का। ट्रांसक्रिप्शन के काम में आपको ऑडियो या फिर वीडियो दी जाती है, जिसे आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होता है। जितना आपको सुनने में आसान लग रहा है, बिल्कुल उतना ही आसान सा काम है, बहुत ही सिंपल सा काम है, टाइपिंग का काम है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको कैप्शन का मिल जाता है। कैप्शन यानी कि यहाँ पे आपको वीडियो दी जाती है, फिर उसके सबटाइटल्स को आपको सिंक्रोनाइज करके नीचे अरेंज करना होता है। तीसरा ऑप्शन आता है हमारे पास फॉरेन सबटाइटल का, यहाँ पे आपको फॉरेन लैंग्वेज की वीडियो दी जाएगी, फिर उसके सबटाइटल्स को आपको नीचे सिंक्रोनाइज करके अरेंज करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के काम को लेकर चलने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है $1.25 per minute। इसका मतलब ये है, ये आपके लिए नहीं है, ये क्लाइंट के लिए, जो भी यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का काम देना चाहते हैं एक मिनट की ऑडियो क्लिप के या फिर वीडियो क्लिप के लिए, उनको $1.25 यहाँ पे रिव को पेमेंट करना पड़ता है। आपका जो पे आउट है वो मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। चलते हैं आगे। तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आपको अबाउट का सेक्शन मिलेगा। अबाउट के सेक्शन में आपको नीचे यहाँ पे फ्रीलांसर्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। पेज पे आने के बाद आपको नीचे यहाँ पे साइन अप वाला ऑप्शन जो यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे बेसिक सी डिटेल्स जो आपको फिल करनी पड़ती है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और पोजीशन, किस पोजीशन पे आप यहाँ पे काम करना चाहते हो, एक ट्रांसक्रिप्शनिस्ट की पोजीशन या फिर एक कैप्शनर की पोजीशन पे। यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे नेक्स्ट करके अपना साइन अप आप कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और आपको यहाँ पे देना चाहूंगा। यहाँ पे आपको अपनी सैलरी का रेंज यहाँ पे दे दिया गया, जो कि $0.30 से लेकर $1.10 तक रहने वाला है। यहाँ पर आपको पर मिनट के हिसाब से ये जो है आपका पे आउट मिलेगा। पर मिनट यानी कि आपके पर मिनट के हिसाब से नहीं कि आप एक मिनट काम करते हो तो आपको इतने पेमेंट मिलेंगे। यहाँ पे आपको ऑडियो या फिर वीडियो जो आपको फाइल दी जाएगी, उसकी जो लेंथ होगी वो एक मिनट है, तो एक मिनट के हिसाब से आपको इतने पैसे जो मिलेंगे। फिर आप उसको कितने भी टाइम में कीजिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे बताया गया कि आप तीन स्टेप में यहाँ से अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। पहला स्टेप होता है आपको एक क्विज दिया जाएगा, यानी कि आपसे एक टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर स्किल को देखा जाएगा। उसके बाद आपको उस टेस्ट को सबमिट करना होगा, जिसके बाद आपको एक ट्रांसक्रिप्शन का एक डेमो प्रोजेक्ट दिया जाएगा, सैंपल प्रोजेक्ट दिया जाएगा, जिसे कंप्लीट करके आपको उसे भी सबमिट करना होगा। फिर एक बार जब आपका जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव हो जाए, फिर आपको यहाँ से काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और आप यहाँ से अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। साइन अप करने के बाद आप इस पेज पे आ जाओगे, जो कि इंट्रोडक्शन का पेज है। यहाँ पे आप चाहो तो पढ़ सकते हो। फिर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पे आपको स्टार्ट एप्लीकेशन का बटन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन वाले पेज पे चले जाना है। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन वाले पेज पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके खुद के बैकग्राउंड से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है। यहाँ पे आप अपनी हाईएस्ट एजुकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। बैचलर डिग्री है मेरी, तो यहाँ पे मैं बैचलर डिग्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो
यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं जितने भी साल का एक्सपीरियंस है। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो वर्क एक्सपीरियंस पे भी क्लिक कर सकते हैं। मेरे पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके पास एक्सपीरियंस है या फिर आप फ्रेशर है, तो इससे आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन ये देखने को मिलता है कि आपको किस फील्ड में एक्सपीरियंस है पिछला, तो यहाँ पर मुझे टेक्निकल फील्ड में एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे मैं टेक्नोलॉजी वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लूंगा। चौथा क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपको किस किस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे आप अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से वो जो टॉपिक है वो सिलेक्ट कर सकते हो। एंटरटेनमेंट, एजुकेशन या फिर बिजनेस, जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है वो यहाँ पे सिलेक्ट करके आप नीचे आगे बढ़ जाओगे। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डू हैव प्रायर एक्सपीरियंस इन ट्रांसक्रिप्शन, आपके पास पिछला ट्रांसक्रिप्शन का कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है। यहाँ पे अगर आपने पहले ट्रांसक्रिप्शन का काम कहीं पे किया तो आप यहाँ पे उसे यस कर सकते हैं, नहीं किया तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक कर देना है। छठा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप फिलहाल अभी क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट या फिर पार्ट टाइम या फुल टाइम कोई जॉब करते हैं, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं स्टूडेंट हूँ तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट सिलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ पे आपको अगले पेज पे चले जाना है। ये आपका शोर्ट आंसर वाला पेज है और ठीक इसके बाद ग्रामर का टेस्ट आपका होगा। यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके आंसर आपको सब्जेक्टिव वे में देने होते हैं, यानी आपको यहाँ पे टाइप करना होता है मिनिमम 200 वर्ड में या फिर मैक्सिमम 500 वर्ड में आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप रिप पे क्यों काम करना चाहते हैं, तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप सिंपल सा गूगल पे जाके टाइप करना चाहते हैं कि व्हाई डू वांट टू वर्क हियर, ऐसे लिख के भी अगर आप टाइप करते हैं तो यहाँ पे आपको सिंपल सा आंसर देखने को मिल जाता है। इसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके थोड़ा सा एडिट करके आप वहाँ पे रिप पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि ये वेबसाइट हमारे सामने दिख रही है, यहाँ पे बेसिकली बताया गया कि अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाई डू वांट टू वर्क हियर, यहाँ पे आप क्यों काम करना चाहते हो, इसका आंसर आपको कैसे देना है, ये चीज आपको यहाँ पे बताया गया। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको अपने आंसर को कस्टमाइज करके फिर रिप पे आप अपलोड कर सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने उस वेबसाइट से इस क्वेश्चन के आंसर को उठाया और उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज करके यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया। अब मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमसे पूछ रहा है। बेसिकली यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पे फ्रीलांसिंग का काम जो है वो अपने करंट शेड्यूल के हिसाब से कैसे कर सकते हैं, या आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं, फुल टाइम करना चाहते हो, जो भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देना चाहते हो यहाँ पे आप दे सकते हो। आप यहाँ पे गूगल की है फिल से आप ले सकते हो। जैसे कि ये वेबसाइट हमें शो रही है, हमें बता रही है कि आप फ्रीलांसर कैसे अपने टाइम को मैनेज करके वहाँ पे काम कर सकते हो फुल टाइम या फिर पार्ट टाइम। इस तरह आप गूगल की हेल्प लेके फिर इसका जो आंसर है यहाँ पे आप दे सकते हो ब्रेक पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी फूड चेन की ब्रांड जो है वो आपकी फेवरेट है और क्यों है। इसका आंसर देने के लिए आप गूगल की हेल्प ले सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने टाइप किया है व्हाट इज योर फेवरेट फूड चेन एंड व्हाई। यहाँ पे लिखिए, अगर आप जैसे ही टाइप करते हो यहाँ पे आपको कुछ आंसर्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो टॉप 10 फास्ट फूड चेन्स इन इंडिया और क्यों है ये फेवरेट, यहाँ पे उसकी डिटेल्स भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप कस्टमाइज करके या फिर जो भी आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो अपने हिसाब से वहाँ पे कस्टमाइज करके वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने गूगल की हेल्प लेके तीनों क्वेश्चन के आंसर जो है दे दिए हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ जो कि है ग्रामर टेस्ट का। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ग्रामर का टेस्ट का जो पेज है वो हमारे सामने खुल के आ चुका है। तो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो आपके लिए बहुत ही आसान हो सकता है और आप इसे आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप इंग्लिश में वीक हो तो आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे हार्ड लग सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे एक टूल शेयर करता हूँ जिसका नाम है ग्रामरली। इसे आप अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल फोन में ओपन कर सकते हो। फिर इस क्वेश्चन को कॉपी करने के बाद आपको ग्रामरली में जाके पेस्ट कर देना है। ओपन कर सकते हो, फिर इस अपने क्वेश्चन को पेस्ट करते हो तो ग्रामरली ये डिटेक्ट करके आपकी जो सारी प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ पे बता देता है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो भी आपको बताएगा, पंक्चुएशन मिस्टेक है तो वो भी आपको यहाँ पे बता देता है, और अगर ग्रामर में कोई मिस्टेक है तो वो भी आपको बताता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे स्पेलिंग में मिस्टेक है। इन्वेस्टमेंट के स्पेलिंग जो होते हैं वो ऐसे होते हैं ना कि ऐसे, ये गलत है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सही हो जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे जो आंसर देना है वो करेक्ट और इनकरेक्ट के फॉर्म में देना है, तो हम इसे इनकरेक्ट पे क्लिक कर देंगे। अब चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसको भी हम सिम वैसे ही ग्रामरली में जाके कॉपी करेंगे, फिर इसका आंसर भी हमें खुद ग्रामरली ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके बता देगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने जैसे इसे पेस्ट किया तो यहाँ पे नो इशू फाउंड यहाँ पे लिख के आ रहा है, यानी ये प्रॉपर रूप से सही है, यानी इसका जो आंसर होगा वो करेक्ट होगा। करेक्ट करके हम अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको भी सेम हम कॉपी करेंगे। तो ग्रामरली के टूल पे जाके हम डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जैसे आप पेस्ट करोगे तो ग्रामरली जो है वो डिटेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, फिर आपका जो इशू है वो यहाँ पे फाउंड हो जाएगा। अगर कोई इशू नहीं है यहाँ पे, कोई इशू यहाँ पे फाउंड नहीं होगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है, नो इशू फाउंड यहाँ पे लिख के आ रहा है, यानी इसका आंसर भी जो होगा हमारा करेक्ट होगा। करेक्ट करके हम अगले क्वेश्चन पे चले जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इसे भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। टोटल जो क्वेश्चन है वो 12 क्वेश्चन है। इस ट्रिक को फॉलो करके आप इन क्वेश्चन को आंसर दे दोगे, फिर हम चलते आगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो हमने 12 के 12 क्वेश्चन के आंसर जो यहाँ पे दे दिए। अब हम चलते हैं अपने ट्रांसक्रिप्शन गाइडलाइंस की तरफ। गाइडलाइंस वाले पेज पे आपको ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे दी गई है जिसे आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे वीडियो देख सकते हो या फिर आप यहाँ पे नोट्स जो दिए गए हैं उसे पढ़ सकते हो। पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे ट्रांसक्राइब वाले बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है, जो कि हमारा ट्रांसक्रिप्शन सैंपल का ऑप्शन है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ट्रांसक्रिप्शन सैंपल का जो पेज है वो हमारे सामने खुल के आ चुका है। यहाँ पे आपको सैंपल वर्क दिया जा रहा है ट्रांसक्रिप्शन का। अगर आप इसे कंप्लीट करके अपलोड करते हो, सबमिट करते हो, तो विद इन 24 आवर्स में ये अप्रूव होता है, और अप्रूव होने के बाद आपको ट्रांसक्रिप्शन का काम रेगुलर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे आप उसे कंप्लीट करते
जाएंगे, आपकी अर्निंग जो है वैसे वैसे आपकी अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपको ट्रांसक्रिप्शन का काम करने के लिए क्या करना होता है, आपको यहाँ पे प्ले का बटन दिख रहा है, जैसे ही आप प्ले का बटन प्ले करते हैं तो आपको आवाज को केयरफुली सुनना होता है, फिर यहाँ पे उसको मैच करना होता है कि कोई पैराग्राफ लाइन या फिर कोई वर्ड मिस्टेक या फिर कोई वर्ड छूट तो नहीं रहा है। इसके लिए आप दो तरीके फॉलो कर सकते हैं, पहला तो इसे प्ले करके यहाँ पे आप लाइन बाय लाइन मिला सकते हो, या फिर इसे प्ले करने के बाद अपने हिसाब से इसलिए लिख सकते हो या फिर कोई वर्ड छूट तो नहीं रहा है, आप इस पैराग्राफ में उसे मिला सकते हो, जो भी पैराग्राफ छूटा है, वर्ड छूटा है, सेंटेंस छूटा है, आप उसे यहाँ पे फिर मेंशन करोगे। और मेंशन करने के बाद यहाँ पे एक चीज और चेक करनी होती है, यहाँ पे इसे ग्रामेटिकली देखना होता है कि यह सही है या नहीं, इसमें पंक्चुएशन मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामरली मिस्टेक जो होती है वो हमें चेक करनी होती है। उसके लिए मैंने आपको पहले बता दिया ग्रामरली का टूल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको तीनों चीज जो है वो फ्री में प्रोवाइड कराता है, पंक्चुएशन मिस्टेक आपकी सही कर सकता है, ग्रामर मिस्टेक आपकी सही कर सकता है, स्पेलिंग मिस्टेक में भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हो और इसकी हेल्प लेके आप तीनों चीज यहाँ पे कंप्लीट कर लोगे। और जो आपको यहाँ पे केयरफुली सुनना है, किसी भी वर्ड और सेंटेंस को आपको मिस नहीं करना है, आपको फिर प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप इसे केयरफुली सुनने हेडफोन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। Thanks for your interest in Rev. Please listen carefully to the audio file all the way to the end, and please edit and transcribe as needed, correcting misspellings, research on names, and attracting misspellings, research on names, and attributing speech to... जो छूट रही थी मैंने उसे मेंशन कर दिया। मेंशन करने के बाद मैं इसे कॉपी करूंगा इस पूरे के पूरे सेंटेंस को, और कॉपी करने के बाद मैं ग्रामरली में जाकर इसे पेस्ट कर दूंगा। ग्रामरली में आप जैसे ही इसे पेस्ट करते हो तो यहाँ पे आपको जो भी जो इसकी फॉल्ट है, जो एरर्स है, वो आपको यहाँ पे डिटेक्ट करके ये ग्रामरली आपको बता देता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने ग्रामरली में इसे पेस्ट करते हुए यहाँ पे हमें जो पहला एरर जो देखने को मिल रहा है वो पंक्चुएशन का एरर हमें देखने को मिल रहा है, यानी हम इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा। फिर जैसे सारे एरर इसके ठीक कर लेते हो, सारे ग्रामरली और पंक्चुएशन जो भी स्पेलिंग मिस्टेक है उसे सही करने के बाद आप यहाँ पे डायरेक्ट जाके फिर से यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हो। फिर सेम उसी तरह आप इसे भी यहाँ से उठाने के बाद यहाँ पे आप ग्रामरली पे कॉपी कर दोगे। ग्रामरली पे जैसे आप कॉपी करते हो तो आपको यहाँ से भी उसके बारे में जो भी ग्रामेटिकली एरर है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, वो सब यहाँ पे आपको ऑल सजेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे रैप की जगह यहाँ पे आपको टू रैप करना होगा, टू रैप पे हम क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक जो है टू रैप हो जाएगा, ये हो जाएगा कंप्लीट, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे रैप की जगह यहाँ पे आपको टू रैप करना होगा, टू रैप पे हम क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक, तो इस तरह से आप ट्रांसक्रिप्शन का जो सैंपल है उसे कंप्लीट कर लोगे। ट्रांसक्रिप्शन के सैंपल को कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना होता है, तो इस तरह से आप ट्रांसक्रिप्शन का जो सैंपल है उसे कंप्लीट कर लोगे। ट्रांसक्रिप्शन तो जैसा कि गाइस आप देख पा रहे हो, मैंने अपना ट्रांसक्रिप्शन का सैंपल उसे प्रॉपर कंप्लीट कर लिया। अब मैं सबमिट वाले बटन पर क्लिक करके अपने सैंपल प्रोजेक्ट को सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा ऑलमोस्ट डन। फिर आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसको केयरफुली आपको रीड करना होगा। रीड करने बाद आपको यहाँ पे आई एग्री के बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने बाद आपको सबमिट पे बटन पे अगेन क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो हमारा जो सबमिशन है वो कंप्लीट हो चुका है, ऑल डन। यहाँ पे मैसेज हमारे पास आ चुका है, ईमेल में स्पैम वाले ऑप्शन में जाके इस ईमेल को चेक कर सकते हैं जो कंफर्मेशन ईमेल आया है। तो आई होप गाइज मैंने इस वीडियो में आपको सारी के सारी नॉलेज और ट्रिक्स जो है वो सारे बता दिए हैं, तो इस ट्रिक्स को फॉलो करके आप भी अपना आईडी जो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और आप यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन ट्रिक्स को फॉलो करके आप भी यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट इस वीडियो से रिलेटेड आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में भेज कर पूछ सकते। थैंक यू गाइज, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के।